नमस्कार। दुनिया में आज भी बहुत कुछ छिपा है जिसकी तलाश वैज्ञानिक कर रहे हैं, और जब खोज लेते हैं तो दुनिया में तहलका मच जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो अभी भी बहुत कुछ है जिसे खोजा जाना बाकी है। इसी बीच वैज्ञानिकों ने उड़ते ड्रैगन के रहस्य को सुलझा लिया है और एक बड़ी खोज कर तहलका मचा दिया है। जी हाँ, साउथ अमेरिका के वैज्ञानिकों को खुदाई में एक उड़ने वाले ड्रैगन का जीवाश्म मिला है। यह अपनी तरह का पहला जीवाश्म है जो साउथ हेमिस्फीयर में खोजा गया है। चिली के अटाकामा रेगिस्तान में खोजा गया पंखों वाला जीव दरअसल एक शुरुआती पेट्रोसॉर है। अनुमान है कि यह ड्रैगन करीब 160 मिलियन साल पहले धरती पर मौजूद था। इसकी लंबी नुकीली पूंछ, पंख और नुकीले उभरे हुए दांत थे। इससे पहले इसके अवशेष उत्तरी अमेरिका में पाए गए थे, जिनकी खोज अटाकामा म्यूजियम के निदेशक ने की थी। ये खोज उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच प्रजातियों के पलायन की ओर इशारा भी करती है। जांच का नेतृत्व करने वाले चिली यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक जॉनटन अलार्कोन ने रॉयटर्स से कहा कि इससे पता चलता है कि इस समूह के जानवरों का प्रसार अब तक की तुलना में कहीं ज्यादा था। क्यूबा में भी इस समूह के पेट्रोसॉर पाए जाते थे जो तटीय जानवर थे। सबसे अधिक संभावना है कि जानवरों ने उत्तर और दक्षिण के बीच पलायन किया था। न्यू साइंटिस्ट की रिपोर्ट की माने तो सबसे छोटी प्रजातियों के पंख सिर्फ 25 सेंटीमीटर लंबे, जबकि इनके सबसे बड़े पंख 10 मीटर तक लंबे होते थे। अटाकामा रेगिस्तानी जीवाश्मों की खोजों का आकर्षण केंद्र बन गया है। प्रागैतिहासिक काल में ये जगह बंजर थी और मंगल ग्रह की तरह दिखती थी और समुद्र के पानी में डूबी थी। ये रिसर्च एक विज्ञान की पत्रिका में छपी है, जिसके बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों में हलचल है और उनका कहना है कि ड्रैगन को लेकर अभी खोज की और जरूरत है, जिससे कुछ और गहरी और बड़ी चीजें पता लगाई जा सके और दुनिया के सामने लाई जा सके। देखना होगा आगे ड्रैगन पर क्या रिसर्च होती है, लेकिन अभी जो रिसर्च सामने आई है उसने हलचल पैदा कर दी।